मॉर्निंग आप देख रहे हैं इंडिया 247 लाइव टीवी में आपके साथ दीक्षा वर्मा। रुक करते हैं प्रदेश की अहम खबरों का। खबर है जनपद कासगंज से। जी हां, आपको बता दें कि जनपद कासगंज के थाना अंबापुर क्षेत्र के गांव टिकुरिया में बीते रात चोरों ने घर के पीछे की दीवार काटकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि पीड़ित लोकपाल पुत्र जय सिंह ने बीती रात को घर के बाहर से ताला लगाकर अपने परिवार के साथ द्वार पर सो रहे थे, तभी अज्ञात चोरों ने घर के पीछे से दीवार में नकाब लगाकर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें वहीं इस घटना की जानकारी मकान के मुखिया को सोमवार को यानी कि आज सुबह हुई तो वह शर्म हो गया। चोर होने पर भीड़ जमा हो गई। पीड़िता ने घटना की जानकारी थाना पुलिस को दी, लेकिन दो घंटे के बाद जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी, वही पुलिस ने जल्द खुलासा करने का आश्वासन भी दिया है। बताया जा रहा है कि मकान स्वामी लोकपाल के अनुसार चोरों ने उनके घर की दीवार काटकर प्रवेश कर लिया। हालांकि अज्ञात चोरों ने सूटकेस को मकान के पीछे खिलाड़ी के खेत में रखकर खंगाला है। आपको बता दें कि वही सूटकेस में लगा ताला टूट पड़ा था और उसमें रखे कपड़े मक्के के खेत में बिखरे हुए पड़े थे। आपको बता दें कि चोर उनके यहाँ से मोबाइल व सूटकेस के सोने व चांदी के जेवरात सहित नकदी लेकर फरार हुए। आपको बता दें कि मकान मालिक ने बताया कि लगभग 2 से 3 लाख की चोरी की घटना को चोरों ने अंजाम दिया। वहीं पीड़ित ने थाना पुलिस को अवगत कराते हुए तहरीर भी दी है। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए मोहित वर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? जगमोहन नाम है। कहाँ के रहने वाले हो? अच्छा, जो चोरी हुई है ये क्या है, पूरी घटना बताओ। रात को खाना पीना खा करके सभी लोग सो गए थे और अचानक चोरों ने पीछे से आड़ा फोड़ करके और जेवरात निकाल ले गए। अच्छा, जो जेवरात निकाला है लगभग कितने का अनुमान है जेवरात निकाला है? वो 4-5 लाख का निकल गया है। अच्छा, इसकी सूचना अब तक आपने किसी अधिकारी को दी है? पुलिस को दी थी, वो 2-3 घंटे लेट आई थी। अब आगे आप शासन प्रशासन से क्या मदद चाहते हैं? आगे प्रशासन से मदद चाहते हैं, जो गया है वो जेवरात की पूरी जाँच कर ली जाए चोरों को।